Welcome to another series of Varkala part 2. Hi guys, it's day 2 in Varkala. Today we are going to Trivandrum. वहाँ पे एक temple है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी temple. वहाँ का ड्रेस कोड साड़ी है, सो टुडे आई एम वेयरिंग साड़ी. वैसे मन तो मेरा प्रॉपर साउथ इंडियन साड़ी पहनने का था, बट लास्ट मोमेंट पे कुछ भी मिला नहीं. फिर लास्ट मोमेंट पे जो मिला वो ही पहन लिया. एनीवे, ब्रेकफास्ट करते हैं और फटाफट निकलते हैं टेम्पल के लिए. और मेरे सर पे ये एक नारियल का पेड़ है, इतना सुंदर लग रहा है. वाओ, और इस पे नारियल भी है. आई होप मेरे सर पे कोई ना गिरे. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक द टाइमिंग्स ऑफ टेम्पल, क्योंकि इस मंदिर के जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़े अलग अलग हैं. मॉर्निंग 5 to 7, फिर शायद 1 घंटा रेस्ट देते हैं, और फिर 9 to 11, मतलब ऐसे ऐसे करके खोलते हैं. तो और ज़्यादा जो टाइमिंग गैप होता है वो 12:30 तक दिन तक खुलता है, और उसके बाद डायरेक्ट इवनिंग में खुलता है. तो मेक श्योर या तो आप मॉर्निंग में विजिट कर लीजिए टेम्पल में, या फिर आप डायरेक्टली इवनिंग में विजिट करिए टेम्पल. തണ്ടുരുളും തടിയുരുളും തടിയുരുളും തടിയേലൊരു ചെറു കുരുമുളകുരുളും. Guys, we have finally reached temple. इतना सुंदर टेम्पल है ये, इतना सुंदर. इसके बगल में एक यहाँ पे एक नदी भी है, और फिर यहाँ पे पूरा एक प्रमाइसिस एरिया दे रखा है जहाँ पे वॉक करने के लिए है. धूप बहुत ज़्यादा तेज है आज यहाँ पे. चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर हिंदू टेम्पल की, जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि डेडिकेट किया जाता है हमारे विष्णु जी, जो लोकेटेड है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में. तिरुवनंतपुरम को अगर हम मलयाली में डिकोड करें तो इसका मतलब होता है सिटी ऑफ अनंत. भगवान के एक नाग का नाम अनंत भी था, जिसके नाम पर इस सिटी का नाम रखा गया है. इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु शयन मुद्रा में विराजमान है, जो कि 18 फीट लंबी, और इसको 3 गेट से देखा जाता है. पहले से मुख, दूसरे से नाभि, और तीसरे गेट से उनके चरण के दर्शन होते हैं. इस मंदिर के पास एक नदी भी है जिसका नाम पदतीर्थ कुलम है, जिसका मतलब होता है कमल का झरना. इस मंदिर में आप लोग बिना ड्रेस कोड फॉलो किए हुए नहीं जा सकते हैं. लड़कियों को साड़ी अथवा पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है, और अगर आप लोगों के पास साड़ी या धोती नहीं है तो आप लोगों को बाहर मंदिर परिसर में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे धोती के लिए. इवन छोटे से छोटा बच्चा भी धोती में लपेटा हुआ होना चाहिए. मंदिर के अगर मैं आर्किटेक्ट की बात करूं तो इसको बिल्कुल केरला स्टाइल और द्रविड स्टाइल में बनाया गया है. मंदिर का जो गोपुरम है, गोपुरम मींस जो उसका बड़ा सा आगे जो चबूतरा होता है, वो बिल्कुल द्रविड स्टाइल में बनाया गया है, और इतनी सुंदर नक्काशी उसमें की हुई है. इस मंदिर की अगर मैं संपत्ति की बात करूँ तो टोटल 2 लाख करोड़ की संपत्ति इसमें से निकली गई थी, जिसमें से वॉल्ट भी अभी तक खोला नहीं गया है, और शायद वो खोला भी नहीं जाएगा. इस मंदिर के टोटल 7 गेट्स हैं, और अभी भी त्रावणकोर शाही फैमिली इसका ध्यान रखती है. गाइस, अंदर दर्शन करने के बाद आप लोग खाना वगैरह भी खा सकते हो, प्रसादम मिलता है अंदर आनंदम हॉल में. और उसके बाद वहाँ पे खाने के बाद आप लोग अपने जो जिसमें आप लोगों ने खाना खाया होता है, अपने बर्तन आप लोगों को खुद ही वॉश करने होते हैं पूरे. मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े पेट पूजा करने के लिए, और पेट पूजा करने के लिए हम लोग आए थे टेस्ट ऑफ केरला में. लंच करने रुके हैं, और लंच का अभी हम लोग टेस्ट ऑफ केरला में आए हैं. नाडू भाई, हमारे जो ड्राइवर भैया, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आपको बेस्ट फिश मिलेगी. हम कब से फिश के लिए क्रेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग फिश ट्राई करेंगे. इफ यू वांट टू ट्राई केरला क्विजीन तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं. एक एक चीज का अपना अपना टेस्ट है. डेजर्ट में नाडू भाई टोल्ड अस कि पायसम और पापड़ को मिक्स करके खाओ, उसका टेस्ट एकदम लाजवाब होता है. बढ़िया. How's the taste? मजा आया. टेस्ट अच्छा. अभी हम लोग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से होते हुए पुआर आए हैं. पुआर में मेनली यहाँ पे बोटिंग होती है, जो प्रॉपर आपने केरला वाली बोटिंग देखी होगी, बिल्कुल ऊपर केरला ट्रीज सॉरी कोकोनट ट्रीज, और बीच में से बोट जाती हुई नदी में से, बिल्कुल वो वाली वाइब यहाँ पे देखने को मिलती है. तो हम लोग वो करने के लिए आए हैं.
These are the points which we will cover. Guys, please do not forget to bargain, क्योंकि bargaining is the key in Kerala. यहाँ पे चार लोगों का हमने 4000 में किया था, 3 घंटे की राइड. Guys, हम लोगों ने बोट ले लिया है. अभी हम सारे बोट में बैठे. ये ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का टोटल राउंड है जो ये बोट कवर कराएगी. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो सबसे मेन पॉइंट जो हम कवर करने के लिए दैट इज नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना? मैंग्रोव फॉरेस्ट. रिकमेंडेशन देना चाहती हूँ. इफ यू गाइस आर नॉट लो ऑन बजट, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी, और आप लोगों को बोटिंग करनी ही है, तो आप लोग एलएपए में बोटिंग ना करके आप लोग पुवार में बोटिंग करिए. मतलब आई थिंक ये सबसे ज़्यादा वर्थ है. अगर आप लोगों को हाउस बोट में रहना है तो आप लोग एलएपए के लिए जाइए, अदरवाइज गो फॉर पुवार फॉर नॉर्मल बोटिंग. शिकारा जो भी है, गो फॉर पुवार डेफिनेटली. यहाँ पे आपको जगह जगह पे ऐसे खाने पीने के लिए भी चीजें मिल जाएंगी. तो हम लोग नारियल पानी का ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा. पाइनएप्पल का ट्री है, और इसमें लेकिन ये नॉर्मल पाइनएप्पल्स नहीं है, ये पॉइजनस पाइनएप्पल है. लोकल पीपल ने हमको बताया कि 5 मिनट में कोई इस पाइनएप्पल को खाने से मर सकता है. गाइस, ऐसे छोटे छोटे कैनाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पुवार वाले बोटिंग में, और इस कैनल का नाम है एबीएम कैनाल. इस कैनाल का फुल फॉर्म है अनंत विक्टोरिया मार्थंडम कैनाल, और ये कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम को एक दूसरे के साथ जोड़ता है. 1860 में इसका बनाया गया था, एंड ये इंडिया का नेशनल वाटरवे में से भी एक है. एनाकोंडा की शूटिंग देखी होगी आप लोगों ने, वो जंगल बिल्कुल इसी के सिमिलर है. बोट भी चलती है, जो लोग चेक करते हैं कि आप लोगों ने जैकेट पहनी है या नहीं पहनी है. प्रॉपर लाइफ जैकेट पहनना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है. गॉड्स ओन कंट्री में होने के फायदे तो होते हैं, क्योंकि भगवान थोड़ी जल्दी सुनते हैं. इट्स रेनिंग हियर, काश कुछ और मांग लिया होता तो वो भी पूरा हो जाता. यहाँ बारिश हो रही है. अभी हम जिस लेक में हैं, उस लेक का नाम है नैयार लेक. मतलब ये नैयार डैम से होता हुआ ये पानी आता है. यहाँ पे कितनी तेज बारिश हो रही है अभी, और इतना बेहतरीन व्यू है यहाँ पे कि मैं आप लोगों को ये कैमरा ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जो हमारी आंखें ये व्यू देख पा रही है ना. फॉरेस्ट देखने के बाद ये एक कैनाल सा आया विच वॉज सीरियसली वेरी वेरी स्केरी. एंड ये 2-3 कैनाल एक साथ थे, एंड इतनी हैवी रेन हो रही थी, और उसमें ये कैनाल इतनी ज़्यादा सुंदर और स्केरी एक साथ लग रही थी. सीरियसली वाटर का फ्लो कम था, एंड द लेन वॉज ऑल्सो वेरी नैरो, इस वजह से यहाँ पे बोट अंदर नहीं जा सकती थी. ऐसे गोल्डन सैंड बीच है, क्योंकि यहाँ पे जो रेत है वो गोल्डन है. गाइस, आइलैंड के जो उस साइड है वो अरेबियन सी है, और हाई टाइड्स है इस वक्त बहुत ज्यादा, इस वजह से इन लोगों ने हम लोगों को उतारा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बारिश हो रही है. ये एलिफेंट रॉक है, ये वाकई में एलिफेंट के शेप का है. ये छोटी सी सूंड, फिर उनके कान, और फिर उनके पीछे की बॉडी, और ये एक संगम टाइप है, क्योंकि उधर से अरेबियन सी आ रहे हैं और यहाँ से बैक वाटर है नदी टाइप, तो दोनों मिल रहे हैं आपस में. दैट इज नोन एज संगम, नदी और समुद्र का संगम. खाने के लिए बीच बीच में रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे फ्लोटिंग हट्स है. रिकमेंड करूंगी यार वाली जो बोटिंग है उसको बिल्कुल भी मिस मत करें, बिल्कुल भी नहीं. मतलब अगर बारिश हो गई तो 4 चांद लग ही जाएंगे, जैसे हमारे ट्रिप पे लग गए. यहाँ पे एक चर्च भी है.
इसके आगे से तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये बॉर्डर है तमिलनाडु और केरला का। गाइस पुवार बोटिंग करके हम लोग आ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं फिलहाल कोवलम बीच की तरफ। वहाँ पे लाइट हाउस वगैरह पे भी है, तो लाइट हाउस पे ऊपर वहाँ पे चढ़ने देते हैं, वहाँ से व्यू बहुत ज्यादा सुंदर आता है। तो लेट्स सी कि कैसा है। फिलहाल बारिश भी हो रही है, अभी तो थोड़ी सी कम हो गई है बट हो रही है। जब तक हम लोग कोवलम पहुंचे शाम हो चुकी थी, और जो इसके टाइमिंग्स है वो मॉर्निंग 10 to 12:30 है एंड आफ्टरनून में 2 to 5 खुलता है। हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि ये क्लोज हो चुका है। हाय गाइस, इट्स डे 3rd एंड वी आर कीपिंग इट कैजुअल। अभी इट्स लाइक 2:30 और आज हमें सब वर्कला के बीचेस कवर करने हैं। वर्कला के बीचेस कवर करना है तो इस वजह से हम लोग काफ़ी लेट उठे और काफ़ी हमने पूल वगैरह इंजॉय करा क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही थी। अभी थोड़ा सा मौसम जाके साफ हुआ है। फिलहाल प्लान ये है कि आज हम जाएंगे वर्कला बीच एंड ब्लैक सैंड बीच। ब्लैक है इस वजह से इसको पूरा ब्लैक सैंड बीच बोला जाता है। यहाँ पे अभी बैरिकेटिंग कर रखी है बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स, इस वजह से हम यहाँ पे नीचे नहीं उतर सकते। यहाँ पे जो पत्थर वगैरह है उसी के ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, ये पूरी बैरिकेटिंग कर रखी है यहाँ पे, तो यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। हम इस वक्त यहाँ पत्थरों पे खड़े हैं। रेंट का पता करा है, तो स्कूटी का जो रेंट है वो वर्कला में 600 है, मतलब 600 में आप लोगों को स्कूटी रेंट पे भी मिल सकती है, पेट्रोल आप लोगों का। और फाइनली आज मैं सनसेट देखने आई हूँ, आज हमारा लास्ट डे है वर्कला में, और केरला में भी कल की हमारी फ्लाइट है, तो आज तो मैं फाइनली यहाँ से सनसेट देख के जाने वाली हूँ। अभी हम फिलहाल आए हैं वर्कला बीच पे, ये यहाँ का सबसे ज़्यादा क्राउडी बीच है और यहाँ पे पूरी बैरिकेटिंग करी हुई है। तोते से फ्यूचर पूछवा रहे हैं। हाँ हटा रहा है। ओ ये खुद कार्ड उठाता है, खुद आके कार्ड उठा रहा है। हाथ हटाना, बे हाथ हटाना, कार्ड देके चला गया। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।